गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। चलो आज हम एक्सरसाइज 1.1 में क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे। यहाँ पर है मोहन डिपॉजिट 2000 रुपीज़ इन हिज बैंक अकाउंट एंड विड्रॉल 1642 रुपीज़ फ्रॉम इट द नेक्स्ट डे। इट विड्रॉल ऑफ अमाउंट फ्रॉम द अकाउंट इज रिप्रेजेंटेड बाय द नेगेटिव इंटीजर। Then how will you represent the amount deposit? Find the balance in Mohan's account after the withdrawals. मतलब कि देखो यहाँ पर बैंक अकाउंट की बात है। जब आप बैंक अकाउंट में कुछ भी मनी डालते हो, मतलब कि डिपॉजिट करते हो, तो वो प्लस हो जाता है, मतलब कि वो पॉजिटिव इंटीजर हो जाता है। ओके, फिर नाउ आप कुछ भी मनी विड्रॉल करते, विड्रॉल मतलब कि उसमें से निकालते हो, आपके बैंक अकाउंट में से निकालते हो, तो वो आपकी नेगेटिव इंटीजर हो जाती है, मतलब कि माइनस इंटीजर। ओके, तो यहाँ पर आपको क्या लिखना है, तो अभी पॉजिटिव इंटीजर लिखना है, नेगेटिव इंटीजर लिखना है, क्वेश्चन में यही पूछा है। और फाइंड बैलेंस मोहन अकाउंट आफ्टर द विड्रॉल, तो बैलेंस हमें ढूंढना है मोहन के अकाउंट का। तो यहाँ पर क्वेश्चन है, फाइव नंबर, ओके, आपको लिखना है फाइव नंबर, तो आप लिख सकते हैं विड्रॉल ऑफ मनी इज रिप्रेजेंटेड बाय नेगेटिव इंटीजर। ओके, विड्रॉल ऑफ मनी is देखो यहाँ पर है withdrawals money, यहाँ पर withdrawal of amount from the accounts represented by negative integer, तो पहले हम इसका आंसर देंगे। ओके, is a represent by a negative integer, कितने हैं, -1642 रुपीस। ओके, फिर यहाँ पर डिपॉजिट हमने कितनी की थी, 2000 की थी, तो डिपॉजिट मनी मनी विल बी रिप्रेजेंट, किसे प्रेजेंट करता है, रिप्रेजेंट रिप्रेजेंट बाय अ पॉजिटिव इंटीजर। ओके, पॉजिटिव इंटीजर्स, ओके, प्लस 2000 रुपीज़। ओके, समझ में आए बच्चों कि हम जब भी बैंक अकाउंट में कुछ डालते हैं, डिपॉजिट करवाते हैं, तो वो ऐड होता है हमारे बैंक अकाउंट में, इसलिए वो पॉजिटिव इंटीजर। और जो हम विड्रॉल करते हैं, मतलब कि निकालते हैं मनी, तो वो माइनस हो जाते हैं, मतलब कि नेगेटिव इंटीजर। ओके, तो द बैलेंस ऑफ मोहन अकाउंट आफ्टर द विड्रॉल, हमें क्वेश्चन पूछा है कि मोहन के, देखो यहाँ पर क्वेश्चन है, फाइंड द बैलेंस इज मोहन अकाउंट आफ्टर द विड्रॉल, तो विड्रॉल के बाद मोहन के अकाउंट का बैलेंस कितना है, तो द बैलेंस इन मोहन्स अकाउंट आफ्टर द विड्रॉल विड्रॉल तो 2000 प्लस इंटीजर है,
करके यहाँ पर प्लस माइनस 1642 रुपीज़। ओके, तो आप यहाँ पर 2000 में से 1642 माइनस करना है तो आंसर होगा 5। ओके, देखो यहाँ पर मैं करके दिखाती हूँ। अब 2000 माइनस 1642, ओके, ज़ीरो में से 2 माइनस नहीं हो सकता है इसमें से भी नहीं, तो यहाँ से हम 1, यहाँ पर 9 और यहाँ पर 10 में से 2 माइनस करना है तो 8, 9 में से 4 माइनस करना है तो 5 और 9 में से 6 माइनस करना है तो 3 और 0। ओके, तो आंसर हुआ मोहन के अकाउंट में इतने फाइनली रुपीज़ बचेंगे। ओके, सो बैलेंस इज मोहन्स अकाउंट विल बी 358 रुपीज़। ओके, नाउ आई होप आप समझ रहे होंगे बच्चों। अभी नाउ 6 नंबर क्वेश्चन। रीटा गोज 20 किलोमीटर्स टूवर्ड ईस्ट फ्रॉम द पॉइंट ए टू द पॉइंट बी। फ्रॉम बी सी मूव 30 किलोमीटर्स टूवर्ड वेस्ट अलोंग द सेम रोड। इफ द डिस्टेंस टूवर्ड ईस्ट इज रिप्रेजेंट बाय द पॉजिटिव इंटीजर देन हाउ विल यू रिप्रेजेंट द डिस्टेंस ट्रैवल टूवर्ड वेस्ट। बाय व्हिच इंटीजर वी विल रिप्रेजेंट हर फाइनल पोजिशन फ्रॉम ए। देखिए यहाँ पर है रीटा है 20 किलोमीटर पॉइंट ए की तरफ जा रही है। ओके, फिर ए टू पॉइंट बी, ए से पॉइंट बी तक जा रही है। ओके, फिर फ्रॉम बी से मूव करती है 30 किलोमीटर वेस्ट अलोन द सेम रोड, वही रोड पे वो 30 किलोमीटर जाती है। ओके, तो यहाँ पर इफ द डिस्टेंस, कितने डिस्टेंस वो टूवर्ड ईस्ट की और रिप्रेजेंट करती पॉजिटिव इंटीजर एंड देन हाउ विल यू रिप्रेजेंट डिस्टेंस ट्रैवल द टूवर्ड वेस्ट द बाय व्हिच इंटीजर विल बी रिप्रेजेंट फाइनल पोजिशन फ्रॉम ई। यहाँ पर नीचे है देखो, यहाँ पर वेस्ट है, ए है, बी है और ईस्ट है। अभी यहाँ पर अपोजिट डायरेक्शन में जाना है, ईस्ट एंड वेस्ट आर दोनों अपोजिट, वेस्ट और ईस्ट दोनों अपोजिट डायरेक्शन है। ओके, तो यहाँ पर पहले देखो रीटा एक लाइन बना दूँ बच्चों, यहाँ पर एक लाइन है जो यहाँ पर बीच में ए पॉइंट है। ओके, ए पॉइंट ये वेस्ट है आपकी बुक में है ही। ओके, ये ईस्ट है। ओके, देखो यहाँ पर है रीटा 20 किलोमीटर टू ईस्ट फ्रॉम द पॉइंट ए। 20 किलोमीटर पॉइंट ए से, यहाँ पर पॉइंट ए से हेलो बच्चों, देखो यहाँ पर है रीटा गोज टू 20 किलोमीटर्स टूवर्ड फ्रॉम ईस्ट फ्रॉम द पॉइंट ए टू द पॉइंट बी। अभी यहाँ पर ए से बी पॉइंट तक जाती है तो ये 20 किलोमीटर है, कितनी किलोमीटर है 20 किलोमीटर है। ओके, ये ओके ये डिस्टेंस है जो 20 किलोमीटर है। ओके, अंडरस्टैंड इट, यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस है 20 किलोमीटर। ओके, ईस्ट की ओर जाती है, फिर यहाँ से फ्रॉम द बी टू सी मूव द 30 किलोमीटर वेस्ट, यहाँ पर वही रोड पे वो 30 किलोमीटर वेस्ट की ओर जाती है तो ये यहाँ से शुरू करते हैं ये 20 और यहाँ से आगे आते हैं 30 किलोमीटर, वो यहाँ से बी से वही रोड पे वापस रिटर्न आती है। ओके, तो ये 30 किलोमीटर हुए। ओके, आई होप आप समझ रहे होंगे। तो ये पॉजिटिव इंटीजर हुआ, क्या हुआ बच्चों, ये पॉजिटिव इंटीजर हुआ और ये इस तरफ रिटर्न आना मतलब कि नेगेटिव इंटीजर, समझ में आया।
तो यहाँ पर डिस्टेंस टू वर्ल्ड इज फ्रॉम द पॉइंट ए इज अ पॉजिटिव इंटीजर। चलो मैं बोलती हूँ, आपको आंसर राइट करना है। ओके, डिस्टेंस टू वर्ल्ड इज फ्रॉम द पॉइंट ए इज पॉजिटिव, पॉइंट ए इज अ पॉजिटिव। सो द, आगे लिखना है सेकेंड लाइन, सो द डिस्टेंस टू वर्ल्ड वेस्ट फ्रॉम द पॉइंट ए, यहाँ पर वही बोल लिखना है, मैंने बोला वही। ओके, यहाँ से बी तक, बी तरफ जाना है तो पॉजिटिव इंटीजर, यहाँ से वेस्ट की ओर जाना है तो नेगेटिव इंटीजर। ओके, तो सो द डिस्टेंस टूवर्ड वेस्ट फ्रॉम द पॉइंट ए विल बी नेगेटिव। ओके, तो यहाँ पर फर्स्ट आके लिखना है, रीता फर्स्ट गोज 20 किलोमीटर्स ईस्ट फ्रॉम ए, रीता फर्स्ट गोज 20 किलोमीटर्स ईस्ट फ्रॉम ए, ए से ईस्ट में जाती है 20 किलोमीटर, है ना, तो प्लस 20 किलोमीटर। ओके, प्लस 20 किलोमीटर। फिर सी धैन गोज, अभी वो रिटर्न होती है, सी धैन गोज 30 किलोमीटर्स वेस्ट, तो माइनस, ओके, माइनस 30 किलोमीटर्स। तो रीटा फाइनल पोजीशन, रीटा की फाइनल पोजीशन क्या होगी, इन विच इंटीजर रिप्रेजेंट पोजीशन ए। अभी ये रीटा की, रीटास फाइनल पोजीशन विल बी रिप्रेजेंट प्लस 20 किलोमीटर एंड प्लस माइनस 30 किलोमीटर। ओके, आप डायरेक्ट भी लिख सकते हो 20 किलोमीटर्स और 30 किलोमीटर्स, तो माइनस 10 किलोमीटर। ओके, किलोमीटर माइनस 10 किलोमीटर। ओके, आंसर समझ में आया बच्चों, फिर से बोलूँ, अगर आपको नहीं समझ में तो आगे पोस्ट करके आप लिख सकते हो। ओके, क्वेश्चन नंबर 7, इन अ मैजिक स्क्वायर इच रो कॉलम एंड इन अ मैजिक स्क्वायर इच रो कॉलम एंड डायगोनल हैव अ सम, सेम सम, चेक विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मैजिक स्क्वायर। अभी यहाँ पर ये स्क्वायर है, ओके, तो यहाँ पर देखो बच्चों, इससे मैजिक सम है या नहीं, डायगोन है, मैजिक है स्क्वायर के नहीं, ये चेक करना है। देखो यहाँ पर 5 है, -2 और -3, पहले इस तरह से लेते हैं, 5 प्लस -2 प्लस -3। ओके, तो यहाँ पर देखो 5 -2 -3 है, तो 5 प्लस -5, तो यहाँ पर 0 होगा। ओके, ये है, ये रो की सम 0, फिर इस रो की कर चेक करते हैं, -4 -2 और, तो यहाँ पर है होगा -6। ओके, अंडरस्टैंड, ये माइनस माइनस प्लस होगा, तो 4 प्लस 2 6 और बिग की साइन -6, यहाँ पर ये इसकी 0 हो रही, तो इसकी 6 हो रही। तो नाउ सम ऑफ द नंबर्स अलोंग द टू डायलॉग इज नॉट सेम, ये सेम नहीं हो रहा है, तो इज़ नॉट मैजिक स्क्वायर, इज नॉट, फर्स्ट वाला नॉट है। तो आपको क्या लिखना है बच्चों, कि आपको लिखना है द इन स्क्वायर, आपको लिखना है, अभी लिखो, मैं लिखवाती हूँ, फर्स्ट में लिखना है इन स्क्वायर फॉर सम ऑफ द नंबर अलोंग वन डायगोनल इज इक्वल टू 5 प्लस -2 प्लस -3 इज इक्वल टू 0। अभी सम ऑफ द सेकेंड, सम ऑफ द नंबर अलोंग द अदर डायगोनल -4
माइनस प्लस माइनस टू प्लस ज़ीरो इज इक्वल टू माइनस सिक्स। ओके, तो यहाँ पर लिखना है सिंस द सम ऑफ द नंबर अलोंग द टू डायगोनल इज नॉट अ द सेम स्क्वायर वन इज नॉट अ मैजिक स्क्वायर। ये स्क्वायर वन इज नॉट अ मैजिक स्क्वायर। अभी यहाँ पर देखो बच्चों, यहाँ पर इस में देखो अभी यहाँ पर वन है माइनस टेन, तो मैं फर्स्ट रो की करूँगी, फर्स्ट रो को वन प्लस माइनस टेन प्लस ज़ीरो। ओके, ये ज़ीरो, तो क्या होगा आंसर, टेन में से माइनस वन करना है तो माइनस नाइन। ओके, फिर सेकेंड रो की करती हूँ, देखो माइनस फोर प्लस माइनस थ्री प्लस माइनस टू। ओके, तो यहाँ पर देखो फोर थ्री और टू सारे नेगेटिव हैं, तो फोर प्लस थ्री सेवन, सेवन प्लस टू नाइन, बट माइनस नाइन। ओके, फिर नेक्स्ट है थर्ड रो की करती हूँ, देखो यहाँ पर माइनस सिक्स प्लस फोर प्लस माइनस सेवन, यहाँ पर नेगेटिव नेगेटिव है उसको ऐड करना है पहले, सिक्स प्लस सेवन तो थर्टी माइनस थर्टी, और यहाँ पर प्लस फोर तो प्लस फोर, तो थर्टी में अभी नाइन माइनस प्लस माइनस होगा, तो थर्टी में से फोर माइनस करना है नाइन, तो माइनस नाइन। इस तरह से बच्चों सारी रो की करनी है, सारी रो की करनी है, कॉलम की भी करनी है। ओके, तो ये है, ये सेकेंड वाला है मैजिक स्क्वायर, अंडरस्टैंड इट, ये सेकेंड वाला है मैजिक स्क्वायर इज नॉट और इज। ओके, अभी नेक्स्ट है पेज नंबर एट। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो बच्चों मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में ये सारे क्वेश्चंस आपको पेपर पे लिख के दिखाऊंगी। ओके, फिर सेकेंड टाइम फिर इससे अंडरस्टैंड करवाऊंगी। अभी आप थोड़ा समझने की कोशिश करें और अपने आप थोड़ा घर पे करने की कोशिश करें। ओके, तो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर वेरीफाई ए माइनस इन ब्रैकेट माइनस बी इज इक्वल टू ए प्लस बी फॉर द फॉलोइंग वैल्यू ऑफ ए एंड बी। यहाँ पर क्या बोल रहे हैं बच्चों कि ए और बी की वैल्यू दी गई है, तो आपको वेरीफाई करना है, वेरीफाई करना है ए माइनस इन ब्रैकेट माइनस बी। ओके, ये आपको अपने आप करना है, मैं एक ही दिखाऊंगी आपको। ओके, तो आपको एक करके दिखाती हूँ, बाकी के आपको क्वेश्चन करने हैं। मैं नेक्स्ट वीडियो में आपके आंसर ये सारे क्वेश्चन में फिर से आपको एक पेज में करवाऊंगी, बट आपको अपने आप थोड़ा मेहनत करना है। ओके, थोड़ा एग्जिस्ट करना है और मेहनत करके आपको खुद करना है। देखो यहाँ पर एट है, क्वेश्चन नंबर एट। ओके, यहाँ पर ए की वैल्यू है, पार्ट ए में देखिए ए की वैल्यू क्या है 21 और बी की वैल्यू क्या है 80। ओके, तो अभी यहाँ पर हमें ये इसको वेरीफाई करना है। ओके, तो ए माइनस माइनस बी। ओके, अंडरस्टैंड, तो यहाँ पर और इज इक्वल टू ये साइड इसके इज इक्वल टू है कि नहीं, ए प्लस बी। ओके, पहले मैं ए ये कर देती हूँ। ओके, तो ए प्लस बी की वैल्यू डालनी है, यही लिखना लिखा है मैंने, देखो यही, तो ए प्लस बी की वैल्यू डालती हूँ, तो ए की वैल्यू क्या है 21 प्लस बी की वैल्यू क्या है 80। ओके, तो यहाँ पर क्या हुआ, आंसर क्या होगा, 1 प्लस 8 9, 2 प्लस 1 3। ओके, तो यही आंसर यहाँ पर भी आता है कि नहीं, यही देखना है। ओके, तो लेफ्ट साइड इज इक्वल टू राइट साइड। ओके, तो ये देखना है। ओके, तो ए की वैल्यू इसमें डालती हूँ अभी, ए की वैल्यू 21 माइनस बी की वैल्यू 80 है, बट यहाँ पर माइनस
80, ओके। देखो यहाँ पर माइनस माइनस प्लस होगा, ओके, तो 21 प्लस 80 तो इज इक्वल टू 39। तो यहाँ पर देखो ये वैल्यू सेम आई ना, तो लेफ्ट इज इक्वल टू राइट साइड, ओके, लेफ्ट राइट है ना, समझ में बच्चों। पहले आपको ये वैल्यू समझ में, अभी बी पार्ट करवा देती हूँ, ये सेकंड वाला, फिर थर्ड और फोर्थ आपको खुद करना है, ओके बच्चों। अभी यहाँ पर है चलो यहाँ पर है ए की वैल्यू क्या है, सेकंड में ए की वैल्यू है 118, बी की वैल्यू है 125। अभी हमें क्या वेरीफाई करना है, ए माइनस इन ब्रैकेट माइनस बी इज इक्वल टू ए प्लस बी। बच्चों आपको ऐसा लगता है कि मिस बहुत, बट मुझे ऐसा लगता है कि ऑनलाइन में मैथ्स पढ़ाना बहुत हार्ड है, ओके, तो मैं एग्जिस्ट कर रही हूँ, तो आप भी थोड़ा एग्जिस्ट करिए और हार्ड वर्क करिए, ओके। मैं ये क्वेश्चन 5, 6 और 7 आपको नेक्स्ट वीडियो में आपको नोटबुक में राइट करके दिखाऊंगी, बट आपको अपने आप थोड़ा मेहनत करना है। क्या करना है बच्चों, मेहनत तो करनी होगी, ओके, ऑनलाइन है, थोड़ा हार्ड वर्क कीजिए तो आप भी आपके लिए भी अच्छा रहेगा, ओके, तो ही मजा आएगा। तो अभी हमें ये वेरीफाई करना है, ओके, तो इसमें हमें ए की वैल्यू डालनी है और बी की वैल्यू डालनी है, तो पहले हम ये ले लेते हैं, ओके, ये इतना ही ले लेते हैं, ए माइनस माइनस बी। इस क्वेश्चन में मैंने क्यों पहले ये डाला था, क्योंकि आपको इजी रहे, ओके, मैथ्स हैं ये, मैथ्स हैं, ओके, कोई स्टेप बाय स्टेप नहीं जाना है, हम मतलब कि स्टेप बाय स्टेप तो करना है, बट हमारे माइंड से भी क्लियरिटी होनी चाहिए कि हमें क्या करना है, ओके, इसलिए इजी होता है, इसलिए मैंने पहले इसमें वैल्यू डाली थी, ओके। तो फिर अभी इस साइड में वैल्यू डालती हूँ पहले, तो ए की वैल्यू क्या होगी, यहाँ पर ए की वैल्यू है 118 माइनस बी की वैल्यू क्या है, माइनस 125, ओके, माइनस माइनस क्या होगा, प्लस होगा, तो 118 प्लस 125, ये हमारी लेफ्ट साइड आ गई, ओके, तो 8 प्लस 5 31 कैरी, 1 एंड 2 3 4 और 1 1 2 243। अभी राइट साइड को करना है ये साइड, ओके, ए प्लस बी, ओके, ए प्लस बी, तो ए की वैल्यू क्या है 118 प्लस बी की वैल्यू 125, ओके, तो हमने प्लस यहाँ पर भी किया, तो यहाँ पर भी देखो सेम आई, तो हम बोल सकते लेफ्ट इज इक्वल टू राइट साइड, ओके, अंडरस्टैंड, ओके। तो आपको होमवर्क में ये दोनों करना है, 3 और 4, ओके, इसी तरह से आपको करना है, ओके। फिर नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9, यूज द साइन ग्रेटर देन लेस देन और इक्वल द बॉक्स द स्टेटमेंट ट्रू। अब यहाँ पर स्टेटमेंट ट्रू हो, इसी तरह से आपको ये साइन करनी है, ओके। तो देखो यहाँ पर है बच्चों, मैं आपको ऐसे ही समझा देती हूँ, तो आपको ये अपने आप क्वेश्चन लिखना है, बहुत ही ईजी है। देखो यहाँ पर है ए पार्ट, माइनस 8 है प्लस माइनस 4 है, तो माइनस 8 प्लस माइनस 4, तो यहाँ पर 8 प्लस 4 कितना हुआ, 12, ओके, माइनस माइनस प्लस, तो प्लस प्लस हुआ ना, तो यहाँ पर और बिग की साइन, ओके, तो माइनस 12, तो यहाँ पर है देखो माइनस 8 माइनस है, यहाँ पर माइनस है, ओके, ये प्लस है, तो 8 माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस, तो यहाँ पर माइनस हुआ, तो यहाँ पर माइनस 4, ओके, तो अंडरस्टैंडिंग, तो यहाँ पर ये और इसमें, ओके, तो ये है ग्रेटर देन की साइन, ओके, लेस देन की साइन, ओके, समझ में आया। तो इस तरह से आपको
क्वेश्चन करने हैं। ओके, ये सारे क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 9 भी आपको करना है। ओके, अंडरस्टैंडिंग। मैं नेक्स्ट टाइम आपको ये होमवर्क कंप्लीट हो जाने के बाद में मैं आपको फिर से आंसर चेक करवाऊंगी नोटबुक में, तो आपको करना है। ओके, फिर यहाँ पर है क्वेश्चन नंबर 10। बच्चों हमें यहाँ पर मालूम है कि नंबर लाइन में ये नंबर लाइन होती है, यहाँ पर ज़ीरो होता है, यहाँ पर 1 2 3 4 5। ओके, आप बोलेंगे मिस ने तो समझाया नहीं, बट मैं आप क्लियरिटी कर देती हूँ, पहले भी मैंने समझाया था। ओके, ज़ीरो है तो इस साइड वाली सारी ज़ीरो से बड़ी होगी डिजिट। ओके, ये इस साइड जैसे हम जाएंगे डिजिट बड़ी होती है, तो -12 और -4, तो -12 से 4 डिजिट बड़ी है। ओके, ये ग्रेटर है ना, बिग है। ओके, -12 से ये बड़ा नंबर है। ओके, अंडरस्टैंड, समझ में आया? ओके, नाव यहाँ पर है, देखो यहाँ पर अ वाटर टैंक हैज स्टेप इनसाइड इट, अ मंकी सिटिंग ऑन द टॉप मोस्ट स्टेप, द वाटर लेवल द 9th स्टेप। अभी यहाँ पर क्या कर रहे हैं कि एक मंकी है जो वाटर वॉल पे है, वाटर टैंक के ऊपर स्टेप के इनसाइड है। ओके, द अ मंकी सिटिंग ऑन द टॉप मोस्ट, यहाँ पर मंकी बैठा है। ओके, द फर्स्ट ही जम्प 3 स्टेप डाउन, देम द जम्प बैक 2 स्टेप अप। अब वो 3 स्टेप नीचे आता है तो फिर 2 स्टेप रिटर्न हो जाता है। ओके, बैक होता है 2 स्टेप अप। इन द हाउ मेनी जम्प विल बी रीच द वाटर लेवल, क्या बोल रहे हैं यहाँ पर कि द मंकी जम्प 3 स्टेप डाउन एंड देन जम्प 2 स्टेप अप। 3 स्टेप जब नीचे उतरता है तो 2 स्टेप रिटर्न भी होता है, तो द मंकी इज ऑन द स्टेप फर्स्ट पे आ जाता है वापस। कहाँ पर आ जाता है? फर्स्ट पे, समझ में आया? फिर नेक्स्ट, देखो यहाँ पर फर्स्ट स्टेप पे मंकी है, 3 स्टेप डाउन करके वो 1 2 3 ऐसे 3 स्टेप करता है और 2 स्टेप में फिर अप हो जाता है। ओके, इस तरह से आप करेंगे तो 11 जंप में आपको अपने आप करना है। ये होमवर्क में दे रही हूँ, फिर मैं आपको सेकंड टाइम फिर से ये सारा मैं करवाऊँगी। क्यों करवाऊँगी? क्योंकि आपको वन चांस दे रही हूँ मैं एक्सरसाइज कंप्लीट करने के लिए। मैं समझा रही हूँ ये सारे क्वेश्चंस, ओके, किस तरह से करना है। ओके, फिर आप ये सारे क्वेश्चन फिर से करें। ओके, इस तरह से हमारी एक्सरसाइज 1.1 ख़त्म हो रही है। ओके, तो अंडरस्टैंड इट, बाय बाय, टेक केयर, सी यू अगेन।